राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दी जियो। श्री वृंदावनवास, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरदारी, गोपी जनवल्लभ, आ गोपी जनवल्लभ गिरिवरदारी, गोपी जनवल्लभ, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन
ब्रज जनरंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव बिहारी अच गो अच गो गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गो भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि गाइए राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण राम कृष्ण हरि 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 राम
राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आइए कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम महा धन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, नाम महा धन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको या ब्रिज माही बनानी, टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी, टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी, हम यौरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी, अपने ठकुरानी श्री राधिकारानी, अपने ठकुरानी श्री राधिकारानी, अपने ठकुरानी श्री राधिकारानी, हम राधा राज बिहारी, राधा राज बिहारी, राधा
राधा राज बिहारी राधे, राधा राज बिहारी, जय श्री राधा राज बिहारी, राधा राज बिहारी राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ जय सुभद्रा। रघुपति राघव सजारा, पतित पावन सीतारा, राजा राम राजा राम, पतित पावन सीता राम, राजा राम राजा राम, पतित पावन सीता राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता ताय जय गौरनिता, गौरनिताय जय गौरनिता, जय जय शशि गौरनिता, गौरनिताय जय गौरनिता, गौरनिताय जय गौरनिता, जय प्रभुपाद 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 हशिल प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद 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 हशिल प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना, ब्रज बदो वर्गेणया कल्पिता, श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापुमर्तो श्रीचैतन्य महाप्रभु मत्मिदम्
तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्य महाप्रभो मत्मिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषित करा नवनीर दाबा पीतांबर दरुण बिम बफल दरोष्ठा पूरणेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने योऽन्तः प्रवेश मम वा च मीमां प्रसूक्ता सञ्जीवयत्यखिलश तिदरस्वदाना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा अमृत में तदेव गोविंद दामो धर्माधवे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंद एक अध्याय दो श्लोक क्रमांक चार
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं भगवान को नमस्कृत्य नमस्कार करके नरम च एव तथा नारायण ऋषि को नर उत्तमम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य देवीम देवी सरस्वतीम विद्या की अधिष्ठात्री व्यासम व्यास देव को ततः तत्पश्चात जयम विजय प्राप्त करने के लिए उदीरये घोषित करें। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। विजयी के साधन रूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान नारायण को नरोत्तम नर नारायण ऋषि को विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील वेदव्यास देव को नमस्कार करें। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। जीवनादि काल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। जो भी इस प्रकार से निवारक उपाय अपनाना चाहते हैं उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित भागवत अनुरागी भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले श्री राधा राज बिहारी एवं राधा गोपीनाथ मंदिर के समस्त वरिष्ठ भक्तगण, आयोजक के द्वारा निमंत्रित
समस्त अतिथि मेहमान महानुभाव एवं इंटरनेट के माध्यम से इस भागवत कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में पुनः एक बार आप सब के चरणों में मेरा प्रणाम। आज परम सौभाग्य है कि हमारे साथ सूरत से श्याम सुंदर प्रभु आए हैं और हमारे डायमंड मार्केट से मनसुख भाई आए हैं। परम सौभाग्य है श्रीमद् भागवत शैलेश गांधी का भी स्वागत करते हैं। बहुत बड़ी सेवा हमने शैलेश गांधी को प्रदान की है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमने दी है और ये सब भक्त हमारी जिम्मेदारी ले लेते हैं, इसीलिए हम निश्चिंत होकर भागवत कथा कर सकते हैं। श्याम सुंदर ने मंदिर बनाने की जिम्मेदारी ली है, शैलेश गांधी ने ये जमीन ये प्लॉट आदि की जिम्मेदारी ली है, सब भक्त लगे हुए हैं, इसलिए मेरा चल रहा है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, जैसे भगवत गीता में पांच तत्वों का वर्णन हुआ है, ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म, और मैं भूल गया तीन दिन से गोविंद गोपाल प्रभु भी आ रहे हैं। गोविंद गोपाल प्रभु हमारे ही अंडर में शिक्षा आदि प्राप्त किए और भागवत कथा करना सीखे हैं और भारत में अनेक क्षेत्र में भागवत कथा कर रहे हैं। हम दोनों में इतना ही फर्क है कि मैं लाल गोविंद और वो गोविंद गोपाल, तो उनका भी स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि कम से कम आने वाले पांच साल में गोविंद गोपाल जैसे 101 भागवत कथाकार को तैयार करूं। वर्तमान की स्थिति को देखकर बार बार हृदय में ऐसा भाव हो रहा है कि इतने कथाकार होने चाहिए कि इस प्रकार की कथा प्रत्येक सिटी में, जैसे महाप्रभु की इच्छा थी, नगर नगर गांव गांव, एक बहुत बड़ा संकल्प, मैं तो बैठे बैठे संकल्प करता रहता हूं कि इतने कथाकार होने चाहिए कि ये कलयुग नहीं ये कथायुग बन जाना चाहिए। इस कलयुग को कथायुग बनाने का एक संकल्प किया है अब आप लोगों के आशीर्वाद से। पूरा भी न हो तो हमें कोई चिंता नहीं है और यदि पूर्ण हो जाए तो ईश्वर प्रसन्न होंगे, ये विश्वास है। जैसे भगवत गीता में पांच विषय वस्तु का वर्णन है, ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म, ठीक उसी प्रकार भागवत में 10 तत्व का वर्णन है। यह बात सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, ये भागवत तात्विक ग्रंथ है। भक्त तो याद रहे, ये भागवत कोई स्टोरी नहीं है। हमारे गुजराती में प्रसिद्ध कहावत है, वार्ता रे वार्ता बाबा ढोर चारता,
ये मात्र वार्ता रे वार्ता नहीं है, श्रीमद् भागवत तत्व सिद्धांत युक्त ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत में तत्व है, सिद्धांत है। कई बार समाज में कुछ लोगों के मन में ऐसा है कि भागवत तो ये भावुक लोगों का काम है, ये कोई बात है कि भागवत सुनना, एक आदमी बोलता है और सब लोग सुने जा रहे हैं। भक्तों, वास्तव में ये भागवत ही हमारी सत्य और सच्ची परंपरा है। ज्ञान देने की वास्तविक परंपरा तो भागवत है, और इस भागवत के बाद समय अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार लोगों ने अपने अपने ट्रिक और स्टाइल बदलते रहे, सेमिनार के रूप में और ये उत्सव, ये प्रसंग, लेकिन मूल विधि तो भागवत है। ये हमारे आर्य वर्ष और ऋषि संस्कृति की परंपरा है, और अनेक अनेक जन्मों की सुकृति के कारण जब भागवत समझने की कैपेसिटी है, बुद्धि है, शक्ति है और भाव भी है, तो फिर इस भागवत को अन्य स्टाइल में क्यों सुना जाए, प्योर रूप से ही सुना जाए। सुखदेव गोस्वामी ने जिस प्रकार से, जिस भाव, जिस मूड में सुनाया, उसी प्रकार से सुनाया जाए। भागवत तात्विक ग्रंथ है जिसमें तत्वों का निरूपण हुआ है। अब आप कहोगे तत्व का अर्थ क्या है? वैसे मैं भी तत्व के लफड़े में इतना नहीं पढ़ता हूं, लेकिन अब भागवत का अध्ययन करते हैं तो तत्व की बात तो आ ही जाती है और इसे समझना भी पड़ता है। तत्व माने किसी भी वस्तु को उनके वास्तविक रूप में समझना, किसी भी चीज को उसके वास्तविक रूप में समझना। उदाहरण के तौर पर संसार की कोई एक वस्तु ले लीजिए आप अपने अपने मन में, आज की तारीख में आपके मन में संसार की कोई वस्तु और कोई व्यक्ति की कामना है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप अपने मन में पकड़ लीजिए, जो हमारी डिजायर है, जो इच्छाएं हैं कि ये वस्तु मिल जाए, या मुझे आईफोन i7 मिल जाए, कहा मनीष बाबू कहा बैठे हैं, i7 मिल जाए मुझे, कहा अमेरिका जाओगे तो i7 लेके आना, अब गुरु इसी के लिए बचे हैं i7 लाने के लिए। तो किसी ने कहा प्रभु आप तो घूमते रहते हैं, जरा मेरे लिए लड़की देखिएगा, अब बस यही काम करा लो। खैर मैं सुनता रहता हूं, इसलिए जो भी डिजायर है, मनीष प्रभु i7 सोचे, कोई लड़का लड़की के बारे में सोचे, जिस चीज की कामना है उस चीज को क्या हमने तत्व से देखने का प्रयास किया? बाहर से लगता है कि iPhone 7 मिल जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो कुछ दिनों के बाद i8 नहीं आने वाला है। आदमी सोचता है कि बस ये पत्नी मिल गई, स्त्री मिल गई तो सुखी हो जाएंगे। तात्विक दर्शन क्या है? उस वस्तु का तात्विक दर्शन क्या? बाहर से तो आनंदमय लगती है, लेकिन iPhone 7, मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन आप अपने अपने मन में जिसको सोच कर रखा है उसी को पकड़िएगा, कि जिस वस्तु की कामना हमारे मन में है और यह सोचते हैं कि यह वस्तु मिल जाने से हम सुखी हो जाएंगे, ये बाहरी बुद्धि है। तात्विक दर्शन, तात्विक बुद्धि क्या है? तात्विक दृष्टि क्या है किसी भी वस्तु की? कि कोई वस्तु जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सोचते हैं कि हमें सुख देगी, लेकिन तत्व की बात तो यह है कि वह वस्तु इस जड़ जगत का एक हिस्सा है, आखिर तो जड़ जगत से बनी हुई चीज है। सच्चित आनंद
तो ये चिन्मय तत्व है, वह वस्तु जो है सत्व रजस तमस ये तीनों गुणों से बनी है। इसलिए गीताकार कृष्ण ने कहा दुखालयम अशाश्वतम, संसार की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति मात्र दुख देने के लिए बनी है। यह तत्व दर्शन है कि जिसे हम प्राप्त करके सुखी होंगे ऐसा सोचते हैं, परंतु उसके पीछे का तात्विक दर्शन यह है कि वास्तव में हमें दुख मिलेगा। इसी भागवत कथा में कुछ माताएं 500 की साड़ी पहन कर आती हैं और कुछ माताएं 5000 की साड़ी पहन कर आती है। कभी कभी जिसने 500 रुपए की साड़ी पहनी है वो 5000 रुपए की साड़ी पहनने वाली माता को देखकर दुखी हो जाती है कि यार हम तो केवल 500 रुपए की साड़ी पहनते हैं और वे लोग 5000 रुपए की साड़ी, तो हृदय में दुख होता है। ये बाहरी का दर्शन है, लेकिन तात्विक दर्शन क्या है? तात्विक दर्शन यह है कि उस माता को सुखी होने के लिए 5000 खर्च करने पड़े और मैं तो 500 में ही सुखी हूं, मैं तो उससे अधिक सुखी हूं। यह तात्विक दर्शन है। हम मारुति में बैठे हैं, 2-2.5 लाख की आती ना, और बाजू में से BMW मर्सिडीज निकलती हैं, तो सोचते हैं यार इतनी सस्ती गाड़ी में बैठे हैं और ये लाखों की करोड़ों की गाड़ी से बाजू में से जा रही है, हमारे पास भी ऐसी गाड़ी हो जाती। ये बाहरी दर्शन है, ये जड़ बुद्धि से किया हुआ ये जड़ दर्शन है। लेकिन तात्विक दर्शन क्या है? कि मुझे प्रसन्न होने के लिए 2.5 लाख ही लगे, लेकिन उसे प्रसन्न होने के लिए 1 करोड़ लगे, इसका अर्थ यह है कि उससे अधिक मैं सुखी हूं। तात्विक, किसी भी वस्तु को तत्व से देखना। श्रीमद् भागवत तात्विक ग्रंथ है, ये कोई भावुक जनता के लिए और मात्र मनोरंजन कराने वाला ग्रंथ नहीं है। मैं बार बार कहता हूं श्रीमद् भागवत का एक गुण ऐसा है कि उनमें मनोरंजन होता है, आनंद मिलता है, लेकिन मात्र आनंद लेने के लिए ही नहीं, ये भागवत तो एक तात्विक दर्शन कराने वाला ग्रंथ है, जीवन को परिवर्तन करने वाला ग्रंथ। और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि भागवत से आनंद मत लो, आनंद तो लूटना ही चाहिए क्योंकि भागवत में आनंद ही आनंद है, लेकिन साथ ही साथ तत्व दर्शन है। यदि पूछा जाए कि भागवत में कितने तत्वों का वर्णन हुआ है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवत में 10 तत्व का वर्णन है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतय मन्वन्तरेषानु कथा निरोधो मुक्तियाश्रय श्रीमद् भागवत का प्रथम तत्व है। वैसे पूरी भागवत कथा तो मैं कर नहीं पाऊंगा, प्राय लोक में ऐसी इच्छा होती है कि पूरी भागवत सुने, पूरा तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन भागवत के मूल 10 तत्व है उनके बारे में आपको बता दूं कि जितनी भी कथाएं हैं भागवत की, जितने भी सिद्धांत इस 10 तत्वों के ऊपर हैं। प्रथम, अत्र सर्ग विसर्गश्च। अत्र सर्ग, भागवत का प्रथम तत्व है सर्ग। सर्ग माने भगवान के द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद में यह वर्णन है कि किस प्रकार परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विष्णु प्रकट हुए और किस प्रकार विष्णु से यह ब्रह्मांड प्रकट हुआ
और किस प्रकार से ब्रह्मांड की यह सृष्टि बनी। तो भगवान के द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि को सर्ग कहा गया। ये प्रथम तत्व है भागवत का, और भागवत के प्रथम और द्वितीय स्कंध ये सर्ग तत्व का वर्णन करते हैं। मोटा मोटी आपको बता दूं कि श्रीमद् भागवत का प्रथम और द्वितीय स्कंध में ऋषि मुनियों की जिज्ञासा, देवी कुंती की स्तुति, पितामह भीष्म की स्तुति, परीक्षित चरित्र, परीक्षित गृह त्याग, सुखदेव मिलन, और फिर दूसरे स्कंध में चतुर्श्लोकी भागवत आदि से सर्ग का वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत के का दूसरा तत्व विसर्ग। विसर्ग माने ब्रह्मा के द्वारा की गई सृष्टि, सर्ग भगवान के द्वारा, विसर्ग ब्रह्मा के द्वारा। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सृष्टि के सर्जक ब्रह्मा है, कारण यही है कि हमारी दृष्टि जो है दूर की नहीं है, हमें दूर का नहीं दिखाई देता है, निकट का ही दिखाई देता है। तो निकट से ब्रह्मा ने इस सृष्टि का सर्जन किया, लेकिन इस सृष्टि का सर्जन करने के लिए ब्रह्मा को ज्ञान किसने दिया? इस सृष्टि का सर्जन करने के लिए ब्रह्मा को महत्तत्व, पंच महाभूत भारी मात्रा में किसने प्रदान किया? आज तो रेडीमेड का जमाना हो गया, हमारे जमाने में कपड़े को खरीद कर फिर टेलर के पास सिलाने के लिए दिया जाता था, और फिर मन चाहा फिटिंग बनाते थे। आज तो ये सब खत्म ही हो गया लगभग। तो टेलर आपको पैंट और शर्ट सी कर देता है, टेलर ने मात्र उस पैंट और शर्ट को स्टिच किया, वास्तव में वो पैंट और शर्ट वो कपड़े किसी और मालिक ने लाकर दिए हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मा मात्र टेलर है, टेलर है। ये पंच महाभूत प्रकट करने वाले, ये मूल सृष्टि उत्पन्न करने वाले भगवान कृष्ण है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि सर्जन करने वाले ब्रह्मा है, प्रलय करने वाले शिवजी हैं। ये बात सत्य है कि शिवजी सृष्टि का प्रलय करते हैं, लेकिन किसके कहने से? हमारे मेहरा जी के कपड़े का बिजनेस है, उनकी दुकान में 15-20 लोग वर्कर काम करते होंगे और दिन का कई मीटर कपड़े बेचते होंगे मेहरा जी, सॉरी, कई कपड़े बेचते होंगे। तो यही कहा जाएगा ना कि मेहरा जी इतने कपड़े बेचते हैं, हालांकि उनके कारीगरों ने यह काम किया, लेकिन उनके कारीगर मेहरा जी के आदेश से कर रहे हैं, इसलिए मूल तो वही माने जाएंगे। यद्यपि गौण सृष्टि का सर्जन ब्रह्मा ने किया, संसार का प्रलय शिवजी करते हैं, लेकिन किसकी शक्ति से, किनके आदेश से? एकमात्र भगवान कृष्ण। और इसीलिए हमारे गौड़ीय परंपरा के महान संत जिसे भक्त भागीरथ कहा गया, ये गौड़ीय धारा बहुत दुर्लभ थी भक्तों। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और कृष्ण भक्ति को एक नया मोड़ प्रदान किया और ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का निर्माण किया चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने इस गौड़ीय परंपरा का विस्तार अपने रूप सनातन आदि शिष्यों के द्वारा किया, शुद्ध परंपरा। और यह परंपरा धीरे 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 चलते चलते लुप्त होने लगी। 500 वर्ष पूर्व शुरू हुई यह गौड़ीय परंपरा, धीरे धीरे जब लुप्त होने लगी, उसी समय इस धरती पर एक महान संत प्रकट हुए और गौड़ीय धारा जो लुप्त होने जा रही थी उसे पुनः कर दिया।
और वह थे ठाकुर भक्ति विनोद। ठाकुर भक्ति विनोद जिसको भक्त भागीरथ कहा जाता है, जैसे भागीरथ जी ने मां गंगा को धरती पर प्रकट किया, ठाकुर भक्ति विनोद ने इस गौड़ीय धारा को इस धरती पर प्रकट किया, प्रसारित किया। ऐसे ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि यद्यपि दिखाई दे रहा है कि ब्रह्मा सृष्टि का सर्जन करते हैं, लेकिन वास्तव में यह करने वाले तो बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। तुमि सर्वेश्वरेश्वर बजेंद्र कुमार, तुमि सर्वेश्वरेश्वर कुमार, तुमि सर्वेश्वरेश्वर बजेंद्र कुमार, तुमि सर्वेश्वर तुमि सर्वेश्वरेश्वर बजेंद्र कुमार, तुमार इच्छाए ब्रह्मा, तुमार इच्छाए ब्रह्मा, तुमार इच्छाए ब्रह्मा, तुमार इच्छाए ब्रह्मा करे न सर्जन, सर्वेश्वरेश्वर बजेंद्र कुमार। चंद्रकांत मोदी का स्वागत करते हैं। बजेंद्र कुमार तुमार इच्छाए शिव करे न प्रलय, ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि हे कृष्ण, हे बजेंद्र नंदन, हे श्याम सुंदर, तुम ही सर्वेश्वरेश्वर, कृष्ण आप ही सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हो। दुनिया में ईश्वर तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन ईश्वरों का भी ईश्वर, बादशाहों के भी बादशाह एकमात्र कृष्ण है, श्याम सुंदर है। तुमार इच्छाए ब्रह्मा करे न सर्जन, कृष्ण आप ही की इच्छा से, आप ही के ज्ञान से, आप ही के आदेश से ब्रह्मा इस संसार का सर्जन करते हैं, और आप ही की इच्छा से शिव जी प्रलय करते हैं। कहते हैं तुमार इच्छाए शिव करे न प्रलय, तुमार इच्छाए शिव, तुमार इच्छाए शिव, तुम ही सर्वेश्वरेश्वर बजेंद्र कुमार, कृष्ण आप ही सभी ईश्वरों के ईश्वर हो। तो सृष्टि का सर्जन भगवान कृष्ण से हुआ, मूल सर्जन, इसे सर्ग कहते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया सर्जन विसर्ग है। ये दूसरा तत्व, किस प्रकार ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा के तीन कन्या आकुति प्रसूति देवहूति, देवहूति का विवाह करदम से और भगवान कपिल देव, प्रसूति का विवाह
दक्ष प्रजापति के साथ, जिससे 16 कन्या 13 कर्म कन्या धर्म के साथ, 14वीं कन्या स्वादा अग्नि के साथ, 15वीं कन्या स्वादा पितृगण के साथ और 16वीं कन्या सती भगवान शिव के साथ, और इन सब सभी कन्याओं को एक एक पुत्र की प्राप्ति। किस प्रकार मनु महाराज ब्रह्मा से मनु और मनु के उत्तानपाद उत्तानपाद के ध्रुव संवत वस्त्र महावीर आदि, और किस प्रकार ब्रह्मा से मनु, मनु से प्रियव्रत अग्निग्रह नाभि ऋषभ देव आदि। तो श्रीमद् भागवत का तृतीय और चतुर्थ स्कंद विसर्ग के अंतर्गत है। भागवत का तीसरा तत्व है स्थानम। भगवान के द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में कितने स्थान है? हम तो ज्यादा से ज्यादा भारत, भारत से जुड़े हुए अन्य देश और ज्यादा कोई इंटरेस्ट रखता हो और गूगल आदि मैप आदि देखता हो तो इस दुनिया के जितने इस पृथ्वी पर जितने देश हैं उन सब के बारे में, लेकिन भक्तों इसके अलावा भी, इस जम्बू द्वीप के अलावा अनेकों द्वीप है, अनेकों लोक है, उस लोक लोकांतर में अनेकों जीव रहते हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में स्थानम तत्व का वर्णन किया गया, जिसमें कौन सा लोक कहां पर है, किस लोक में कैसे लोग रहते हैं और वे लोग उस लोक में उस स्थान में रहकर क्या करते हैं, यह वर्णन स्थानम तत्व के अंतर्गत भागवत के पंचम स्कंध में। और आप सब जानते हैं कि लोक लोकांतर का वर्णन करते हुए इसी स्थानम तत्व के अंतर्गत सुखदेव जी ने नरक लोक का वर्णन किया। ऐसे अक्सर मैं अन्य जगहों पर करता हूं, लेकिन यहां तो कोई नरक में जाने वाला नहीं है, चेहरे से ही लगता है कि वैकुंठ से, स्वर्ग से आया है जीव और वैकुंठ जाने वाला है। यहां तो सब सुकृतिशाली पुण्यशाली बैठे हैं। लेकिन बहुत विस्तार से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया। कुछ लोग कहते ना, हम नहीं मानते ये नरक और स्वर्ग में। भक्तों हम माने या न माने, उनसे ये नरक मिटने वाला नहीं है। मान लो कोई आदमी गांव में रहता है और कोई अमेरिका की बात करे, बोले मैं नहीं मानता हूं कोई अमेरिका है। तू नहीं मानता है, तू कभी नहीं गया, लेकिन जिस जो जाकर आया उसे पूछ। तो ज्ञान नहीं है, सुना नहीं है, देखा नहीं है, इसलिए आदमी विश्वास नहीं करता है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रामाणिक ज्ञान से विश्वास कर लेता है, यही बुद्धिमानी है। कुछ लोग कहते नहीं, हम हमारी आंखों से देखेंगे फिर मानेंगे। अब नरक में जाओगे और अपनी आंखों से नरक को देखोगे फिर मानने लायक बचोगे हैं? उससे अच्छा है कि साधु संत भागवत गीता की बात को माने और जीवन में उतारे। हमारे भारत में बीएमसी के म्युनिसिपालिटी के बहुत सारे वायर होते हैं और अनेक अनेक जगहों पर जंक्शन होते हैं और एक लाल रंग का डिब्बा होता है और उस पर लिखा होता है डेंजर, खोपड़ी का चिन्ह होता है और फिर ऐसे हड्डी दो होती है, बताना चाहते हैं कि टच करोगे तो ऐसी हड्डी हो जाएगी आपकी। फोटो भी होता है, लिखा भी होता है डेंजर। उस समय कोई आदमी कहे मैं नहीं मानता ये सब लिखा हुआ, मैं अनुभव करूंगा तब मानूंगा, कर अनुभव, मानने लायक बचेगा। कुछ चीज ऐसी होती है जो सुनकर ही मान लेना होता है, उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत के प्रारंभ में ही, प्रारंभिक शिक्षाओं में कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है
जो किसी प्रामाणिक स्रोत से सुनकर अपने जीवन को बदल लेता है, अपने जीवन को सुधार लेता है, सच्ची मार्ग पर लेकर जाता है। सेकंड क्लास का जो आदमी है वे सुनता है नहीं मानता, लेकिन जब ठोकर खाता है तो सुधर जाता है कि भाई जो बोले थे वो महात्मा ठीक ही था, थोड़ी बहुत ठोकर खाकर सुधरता है। लेकिन थर्ड क्लास का आदमी सुनने पर भी नहीं मानता, ठोकर खाने पर भी नहीं मानता। जैसे कोई चोर होते हैं, अच्छे चोर, वे सुनते हैं कि पुलिस पकड़ लेंगे, चोरी करना बंद कर देंगे। कुछ ऐसे चोर होते हैं कि फिर भी चोरी करते हैं, पुलिस पकड़कर जेल में डालती है, जेल से छूटकर फिर चोरी करना बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चोर होते हैं, एवा फरेल माथा ना होए, सुनते भी नहीं है, सुनने के बाद चोरी करते रहते हैं, जेल में डालेंगे, सजा काट कर आएंगे, उसी दिन ओपनिंग कर लेंगे चोरी करने का। ऐसे आदमी का कुछ नहीं हो सकता, ऐसी वृत्ति जिसमें है उनका कुछ नहीं हो सकता। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सुनकर समझ जाए। और आप लोग तो सब भक्त हो, यदि मैं भक्त के माहौल की बात करूं तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि जितना सुनता है उतना जीवन में उतारते जाए। जो भी सुन रहे हैं और सुनने लायक बात, जो नई बातें हैं जो हम जीवन में उतार रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही सुना, सुनने का अर्थ है पालन करना। जैसे हम सोचते हैं कि हमने ये चीज सुनी तो अप्लाई होना ही है, और सुनकर भी वह चीज हमारे जीवन में अप्लाई नहीं होती तो इसका अर्थ है कि हमने ठीक से सुना नहीं है, सुना ही नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति सुनकर समझ जाता है। श्रीमद् भागवत में 28 नरकों का वर्णन और गरुड़ पुराण में तो विस्तार से बताया गया है। साक्षात भगवान ने गरुड़ जी को श्रीमद् भागवत का चौथा तत्व है पोषणम। भजन करने वाले भक्त की भक्ति का कैसे पोषण होगा, ये आत्मा का कैसे पोषण होगा। रोज तीन तीन बार, चार चार बार, मेरे जैसे लोग 10-10 बार खाकर शरीर का तो पोषण कर लेते हैं, लेकिन आत्मा का पोषण कैसे होगा। हमारे मुंबई के लोखंडवाला अंधेरी की मार्केट के मॉल में कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसी वस्तु मिलती है कि खा लेने से आत्मा का पोषण होगा। सारी सुविधा शरीर के लिए है, लेकिन आत्मा का पोषण करने वाला कौन। तो आत्मा का पोषण हो या भक्त की भक्ति का पोषण हो, इसलिए भागवत का छठा स्कंद रखा गया पोषण तत्व के अंतर्गत। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में अजामिल कथा, हरियश्व के उपदेश की कथा, राजा चित्रकेतु, वित्रासुर, अदिति के गर्भ धारण, ये पुरंजन उपाख्यान आदि भक्ति के पोषण करने वाली कथाएं हैं, भक्त के पोषण की कथा। कितने तत्व हुए जरा गिनते रहिएगा, चार हुए। पांचवा तत्व है उति, उतय। श्रीमद् भागवत का पांचवा तत्व उति। उति का अर्थ है, श्रीधर स्वामी ने कहा, उतय कर्म वासना। ये हमारे मन में अनेक प्रकार की वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किया गया काम ही पाप है। निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम, पाप। और हम पाप करते, किसी भी अवस्था में पाप करेंगे या अपराध करेंगे,
तो वहां से हमारा पतन निश्चित होगा। यह सिद्धांत बताने के लिए उती तत्व का वर्णन और भागवत का सातवां स्कंध उती तत्व के अंतर्गत है। उतय और सर्वप्रथम कथा जय विजय की। भागवत में यहां तक बताया गया कि भजन कर करके कोई आदमी वैकुंठ तक पहुंच जाए। वैसे सिद्धांत तो है यदगतवान अनिवर्तन्ते, लेकिन एक उदाहरण स्थापित करने के लिए वैकुंठ में गए हुए जय और विजय द्वारपाल के लिए कहा गया कि सनकादिकों का अपमान किया, सनकादिकों जैसे वैष्णवों का अपराध किया, वैकुंठ से भी नीचे गिरना पड़ा, असुर बनना पड़ा। सच कहे तो भक्त को जो भगवान से मिलने नहीं देते हैं वे असुर ही है, उसे असुर ही बनना पड़ता है। और दूसरे शब्दों में भक्त को भागवत से जो मिलने नहीं देते वो भी असुर है। सनकादिक भगवान से मिलना चाहते थे, जय विजय ने मिलने नहीं दिया। आज का आदमी भगवान से मिलना चाहे भागवत के माध्यम से, भागवत को सुनकर। और जो लोग भागवत रोकते हैं, जो लोग भागवत के माध्यम से भगवान से मिलने नहीं देते, मेरी दृष्टि से वो भी असुरी है, क्योंकि भक्त को भगवान से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति का निश्चित पतन होता है, चाहे किसी भी सीमा पर पहुंच गया हो। भगवान के दरबार में रहने वाले जय विजय को भी नीचे आना पड़ा, क्योंकि भक्त को भगवान से दूर किया। भक्त को भगवान से दूर करना, इससे बड़ा पाप इस दुनिया में और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। किसी भक्त को भगवान से दूर करना या किसी भक्त को किसी भक्त से दूर करना, आपस में भक्तों में बड़ा प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति लागणी होती है, एक दूसरे के प्रति भाव होता है, लेकिन इतनी ईर्ष्या लेकर तीसरा आता है और इतने कान में गलत गलत वस्तु ये डालता है कि दो भक्त के बीच में अटूट प्रेम था उसमें बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। सच कहें तो कलयुग में ऐसे ही बचे हैं। भक्त भक्त के बीच में, अरे जीवन मिला हो और पोस्ट पोजीशन और सामर्थ्य मिला हो तो एक दूसरे भक्त को जोड़ने का काम करना चाहिए। लेकिन देवी कुंती कहती है ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी, ये पद और पोस्ट और पोजीशन ही कुछ ऐसी है कि जैसे ही सीट पर बैठकर ही डिवाइड एंड रूल आदमी लागू कर ही देता है कि तोड़ो भक्त को, भक्त की यूनिटी को तोड़ो, भक्त के संग को तोड़ो। दो भक्त के बीच में मतभेद मनभेद उत्पन्न कराना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए किसी भी कारणवश किसी भक्तों में प्रेम हो तो उस प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए, और यह न कर सके तो तोड़ने का काम तो करना ही नहीं चाहिए। नहीं तो भागवत कहता है कि चाहे कितनी भी साधना कर रहे हो या साधना कर करके सिद्ध बन चुके हो, वहां से भी पतन होगा। जैसे जय और विजय का पतन हुआ और असुर का रूप धारण करना पड़ा। उतय कर्म वासना, ये भागवत का पांचवा तत्व है ना, पांचवा तत्व है। अब भागवत का छठा तत्व है मन्वंतर। श्रीमद् भागवत का छठा तत्व मन्वंतर, और ये छठे तत्व की कथा भागवत के आठवें स्कंद में है। भागवत का पूरा आठवा स्कंद जिसमें मन्वंतर की कथा का वर्णन है। मन्वंतर काल की अवधि है, जैसे सेकेंड मिनट, एक घंटा, एक दिन, एक महीना, एक साल,
वैसे 71 चतुर्युग जब बीतते हैं तब एक मनवंतर की अवधि समाप्त होती है, और प्रत्येक मनवंतर में मनु की रक्षा करने के लिए भगवान का एक अवतार होता है और उसे मनवंतर अवतार कहते हैं। भागवत के 8वें स्कंद में मनवंतर की कथा का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष या समुद्र मंथन या वामन अवतार, मत्स्य अवतार, ये सब मनवंतर की कथा है। मैं आपको संक्षिप्त में भागवत का दर्शन करा रहा हूं, तात्विक दर्शन। कितने हुए? 6 हुए। भागवत का 7वां तत्व है ईशानुग्रह, मनवंतर ईशानु कथा, ईशानुग्रह। ईशानुग्रह माने ईश्वर का अनुग्रह, तो ईशानुग्रह, ईश्वर का अनुग्रह जिस पर हो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, इस तत्व का वर्णन भागवत के 9वें स्कंद में किया गया। किस प्रकार सोम वंश और सूर्य वंश के राजा महाराजाओं के ऊपर ईश्वर का अनुग्रह था, उन राजाओं को गिराने का, मारने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन ईश्वर का अनुग्रह कौन मार सकता है। बहुत सारी कथाएं हैं, तत्कालीन मुझे याद आई एक कथा, सूर्य वंश के एक राजा थे और उनकी सैकड़ों पत्नियां थी। उनकी ज्येष्ठ पत्नी गर्भवती थी और ये युद्ध करने के लिए रणभूमि में गए और वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। एक पत्नी गर्भवती थी, अन्य पत्नियों ने सोचा कि यदि इस बालक का जन्म हो गया तो ये राजमाता बन जाएगी, इसका बेटा राजकुमार बन जाएगा और हम सब दासी बनकर रह जाएगी। क्या करे क्या करे, सारी पत्नियां सोच पड़ी और निर्णय ले लिया कि जहर खिलाकर मार डालते हैं, बच्चा भी मर जाए और मां भी मर जाए। भोजन बनाया, उसमें जहर डाला, और ये तो गर्भवती थी बेचारी, डिपेंड थी, जहर वाला भोजन दिया गया और इसने भोजन ग्रहण किया। लेकिन ईशानुग्रह तो देखिए, ईश्वर का अनुग्रह देखिए कि गर्भवती नारी को विष खिलाया गया हो तो बेचारी जानती भी नहीं थी, लेकिन ईश्वर के अनुग्रह से विष को खा लेने पर भी न तो उस मां को कुछ हुआ न बालक को कुछ हुआ, और 9 महीने के बाद जो विष खिलाया गया था उस विष को हाथ में लेकर बालक प्रकट हो गया। विष को संस्कृत में गर कहते हैं, गर के साथ प्रकट हुआ इसलिए नाम हुआ सगर। राजा सगर की यह कथा है, जिस राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगीरथ जी ने मां गंगा को ब्रह्मलोक से धरती पर उतारा। ईशानुग्रह, ये ईश्वर का अनुग्रह है। भागवत का 9वां स्कंध ईश्वर का अनुग्रह। कितने तत्व हुए? 7। 8वां तत्व है निरोध। किस प्रकार से मन में उठने वाले गलत विचारों को छोड़ा जाए। हमारे मन में अनेकों प्रकार के गलत गलत विचार आते हैं, उन गलत विचारों से कैसे मुक्त होना। भक्तों, ये मन में, ये मन एक ऐसी नदी है जिससे में विचार बहते रहते हैं। जैसे नदी में नित्य निरंतर पानी बहता है वैसे मन में विचार बहते हैं। बाहर से तो आदमी बहुत जेन्युइन लगता है, धोती कुर्ता कंठी तिलक, लेकिन अंदर विचार तो ऐसे बह रहे हैं, आज इसको गिराऊं, आज इसका करूं, विचार। मन में उठने वाले गलत विचारों को तब तक नहीं रोका जाएगा जब तक मन कृष्ण में नहीं लगाएंगे, ये हमारा मन कृष्ण की लीला में नहीं लगाएंगे। मन को स्थिर करने का
मन को कॉन्सेंट्रेट करने का, शुद्ध और पवित्र करने का एकमात्र उपाय और वह है कृष्ण कथा। मन को आनंदित कराने के लिए, शुद्ध पवित्र और कंट्रोल कराने के लिए पूरा भागवत का दशम स्कंद है और नौवां तत्व है भागवत का मुक्ति। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद है जिसमें मुक्ति तत्व का वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद मुक्ति तत्व है। किस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त करना, कैसे मुक्त होना, ये नौवां तत्व है जिसका वर्णन एकादश स्कंद में हुआ। अब संसार में लोग मुक्ति का अर्थ ही ठीक से नहीं जानते हैं। मुक्ति माने क्या? थोड़ा सा इस पर मैं अधिक समय लूं कि मुक्ति माने क्या। मुक्ति के अनेक पर्यायवाची शब्द भी भागवत रामायण गीता में हैं। मुक्ति के अनेकों अर्थ अन्य अन्य ग्रंथों में साधु संतों ने किए हैं। प्राय साधारण लोगों को मुक्ति माने वो टीवी में रामायण आदि में दिखाते ना कि आदमी के का एक दिया बन जाता है और वह ज्योति चली जाती है ऊपर, ये मुक्ति हो गई। या कोई मर गया तो बोल दिया मुक्ति हो गई। मुक्ति माने क्या? अनेकों अर्थ मुक्ति के बताए गए। मुक्ति का एक सीधा अर्थ है संसार के दुखों से मुक्ति, इति मुक्ति। जो रात दिन दुखी है ना, ये दुखों से मुक्त हो जाना, इसी का नाम मुक्ति है। एक अर्थ। और एक अर्थ, अनेक प्रकार के बंधनों में, कर्म बंधनों में हम बंधे हुए हैं, ये सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाना, ये भी मुक्ति है। 84 लाख के चक्कर में फंसे हुए हैं, ये 84 लाख के पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम शंकराचार्य ने कहा, इन 84 के चक्र से मुक्त हो जाना ये भी मुक्ति है। वेद में किसी एक जगह पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई मुक्ति माने क्या, परापवाद मुक्त है, जीवन मुक्त है। ये रात दिन दूसरों की निंदा और ईर्ष्या करते ना, दूसरों की निंदा और ईर्ष्या करना छोड़ दो, आप मुक्त हो जाओगे, यही सबसे बड़ी मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति। लेकिन भागवत के एकादश स्कंद में मुक्ति का वास्तविक अर्थ दिया गया। मुक्ति एक तत्व है और मुक्ति का एग्जैक्ट वास्तविक अर्थ क्या है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेन व्यवस्थिति। ऐसा नहीं मुक्ति मरने के बाद मिलती है। कुछ लोग सोचते हैं बस अब काम धंधा छोड़ देंगे, क्या करना है, बोले अब तो मुक्ति प्राप्त करनी है। ये काम धंधा छोड़ देना कोई मुक्ति है? गलत। शास्त्र की इन बड़ी बड़ी बातों की सीमित अर्थ मत करो। भागवत गीता जैसे ग्रंथों में भगवान ने कभी भी कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा। अर्जुन तो छोड़ना चाहता था, कृष्ण ने अर्जुन को प्रवृत्त किया, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और तुम अभी युद्ध नहीं करोगे, ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध में कोई दोष नहीं, यहां युद्ध नहीं करोगे तो रास्ते में चलते फिरते किसी को मार डालोगे, उससे अच्छा है धर्म युद्ध करो। मुक्ति का अर्थ काम धंधा बिजनेस छोड़ देना, ये मुक्ति नहीं है। और सच कहे तो काम धंधा बिजनेस छोड़कर जो बैठे ना, दूसरों को नड़ते ही रहते हैं, उससे अच्छा है काम करें। अपने गुजराती में कहें ना कि हालो दादा फिल्म जोवा, कि हालो ना होटल में, कि नहीं हवे हमें तो शू, हमें तो गढ़ा थे, हमें तो कांठे बैठा छे, हमें तो कांठे बैठा छे पण बीजान धक्को मारवा, दूसरों को गिराने के लिए। ये जितनी जितनी फजीयत है ना,
जिसके पास काम धंधा नहीं है उसी से उत्पन्न होती है। जो लगे हुए हैं उसका मन तो कॉन्सेंट्रेट है, लेकिन जो सोचते हैं कि हम मुक्त हो गए, मुक्त नहीं हुए। मुक्ति का अर्थ है मुक्ति हित्वा अन्यता रूपे स्वरूपेन व्यवस्थिति, चाहे किसी भी शरीर में हो किसी भी अवस्था में हो, अपने वास्तविक रूप में स्थित हो जाना, इसी का नाम है मुक्ति। आज हम अपने आप को डॉक्टर समझते हैं, वकील समझते हैं, इंजीनियर समझते हैं कि मैं इस घर का मालिक, इस पत्नी का पति हूं, ये हूं वो हूं, ये जितनी भी उपाधियां हैं, ये जो फॉल्स ईगो है, ये गलत पहचान है, इस गलत पहचान से दूर हो जाना और वास्तविक पहचान को समझ जाना, और मात्र समझना ही नहीं जीवन में अप्लाई हो जाना कि हम वास्तविक तत्व से भगवान के अंश है, जीवेर स्वरूप ही नित्य कृष्ण दास, ये आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश होने के नाते आत्मा परमात्मा का दास है, ये समझना और समझने के साथ जीवन में अप्लाई करना। जिसके जीवन में इतनी समझ आ गई और जीवन इस प्रकार से ढल गया वो उतना मुक्त हो गया, ये है मुक्ति का वास्तविक अर्थ। और ये मुक्ति बहुत दुर्लभ है, ये बोलना आसान है कि भाई हम कृष्ण के दास हैं, दास जैसा काम तो दिखाई नहीं दे रहा है, बोलने के लिए बोलते हैं दासानुदास हैं, लेटर भी लिखते हैं दासानुदास हैं, तुम्हारा काम तुम्हारी वाणी और तुम्हारी भाषा तो स्वामी के स्वामी के स्वामी के स्वामी जैसी है। बोलना बड़ी चीज नहीं है, खास करके शास्त्र पढ़ने वाले समझ तो लेते हैं, इन्फॉर्मेशन तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को, इस ज्ञान को विज्ञान के रूप में जीवन में ढल जाए, यदि हम कृष्ण के दास है तो हमारा जीवन दास के समान होना चाहिए। हमारी भावना, हमारे विचार, हमारी हम्बलनेस, नम्रता दास के समान, लेकिन जानते हैं मानते नहीं हैं। जिस दिन मानने लगेंगे ना उस दिन जीते जी मुक्त हो जाएंगे। लोग मुक्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और वास्तव में क्योंकि ये मुक्ति का सब्जेक्ट आया है, वास्तव में श्रीपाद शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ का उद्घाटन करते हुए 5 दुर्लभ वस्तु गिनाई, उनमें से एक है मुक्ति। वो कहते हैं अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, ये कैवल्य पद, ये मुक्ति पद जो है अत्यंत दुर्लभ है। वहां कागभूषण जी ने गरुड़ से कहा, गरुड़ ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, ये मुक्ति का मार्ग जो है कृपान की धारा, तलवार के धार के समान है, परत खगेश हो ही नहीं पा रहा। हे खगराज, हे खगेश, हे गरुड़, सब लोग इस मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। ये मुक्ति का मार्ग तो बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ। इस संसार में जितने भी पद हैं, जितने भी पद, उन सारे पदों में सबसे टॉप मोस्ट है मुक्ति। मनुष्य जीवन के पुरुषार्थ आप जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम, और फिर सबसे टॉप पर मुक्ति जो है, पर्वत का शिखर है, पर्वत की टोच है मुक्ति। और उस पर्वत की टोच पर चढ़ना भुषंडी जी कहते हैं कि सबके बस की बात नहीं है, बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि एक सरल उपाय है, यद्यपि मुक्ति कठिन है, इस मार्ग पर बड़े बड़े लोग गिर चुके हैं, लेकिन एक सरल उपाय है, एक सरल उपाय, और वह क्या है कि अनेक अनेक परिश्रम, तपस्या,
होम हवन ये सब कुछ छोड़कर यदि कोई राम और कृष्ण का भजन करे तो वही पर्वत शिखर की मुक्ति उनके चरणों में आकर गिर जाएगी। और इसीलिए उन्होंने कहा, सूत्र दे दिया, राम भजन सोई मुकुति गोसाई, राम भजन सोई मुकुति गोसाई। उस पर्वत शिखर पर सबसे टॉप मोस्ट सबसे उत्तम पद को प्राप्त करने के लिए राम भजन करना होगा। सरल उपाय। मुझे तो बड़ी अच्छी बात लगी, इतनी सुंदर रचना आप देखिए, राम का या कृष्ण का भजन करने से मुक्ति मिलेगी, ये तो दूर की बात है। उन्होंने क्या लिखा, एक शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण, राम भजन सोई मुक्ति गोसाई। राम और कृष्ण का भजन करने के बाद मुक्ति मिलेगी ऐसा नहीं है, राम और कृष्ण का भजन ही मुक्ति है। राम भजन सोई मुक्ति गोसाई, राम और कृष्ण का भजन ही मुक्ति है। यदि हम यहां पर भजन कर रहे हैं दिल से, जो बिना सोए सुन रहे हैं, 3 घंटे के लिए आप मुक्त हो, मुक्ति का अनुभव करोगे आप। जो बिना सोए सुन रहे, मैं गारंटी के साथ, इतना तो कॉन्फिडेंस होता ही है ना कि यदि कोई ध्यान से सुन रहा है, बताओ किसी को कोई टेंशन है, वातानुकूलित हवा है, गुलाबी ठंड लग रही है, थोड़ी सी बाजू वाले की गर्मी भी लग रही है, थोड़ी सी ठंड और मन में थोड़ी सी जिज्ञासा है कि आज प्लेट में क्या आएगा, क्योंकि रोज एक दिन पंजाबी एक दिन गुजराती, हाँ तो चाले, आज साउथ इंडियन है। आपकी जिज्ञासा को मैं पूर्ण कर देता हूं, आप चिंता मत करो। आज मैं देख कर आया, बिल्कुल टेस्टी सांभार है, मैं सोचा कि खा के जाऊं, लेकिन फिर सोचा ये लोग टाइम के लिए तो सांभार है, इडली है और मेंदू वड़ा है, तो मतलब ठीक है, वांदो न थे। आपकी एक जिज्ञासा तो मैंने कर दी, अब दूसरी बाकी है, स्वीट में क्या है, मतलब गुलाब जामुन है स्वीट में है। एक बार अमित भाई मारी कथा गुजरात में 5-6 वर्ष पहला नी वात छे, तो मने गुजराती बोलता एटलू आवडतुं नहोतुं, हवे तो सीखी गयो छुं तमारा बधानी कृपाथी। आम घरमां फावे पण व्यासपीठनी भाषा अलग होय ने, थोड़ी अलंकारित भाषा होय, तो गुजराती भाषाना एटला शब्दो मारी पासे नहीं, एटले हुं सूरतमां कथा करतो हतो अने हिंदीमां चालू हती। एक માણસ રોજ મારી સામે બેસે, સૌથી પહેલા આવે ને બેસે, પણ મોઢું એવું બગાડે, એવું મોઢું બગાડે। 5મા દિવસે એ માણસ એના બાજુવાળાને કહે કે આટલો સમય કાઢીને આવ્યો હું, કામ ધંધો બધું મૂકીને આવ્યો, અને આ હિન્દીમાં બોલે, મને કાંઈ સમજાતું નથી, આ હિન્દીમાં ઉપાડ્યું આણે, મને આમાં કાંઈ નથી સમજાતું, બસ તમે તાળી પાડો તો હું તાળી પાડું, તમે હસો તો હું હસું। ચલો બાજુવાળો કે કથા નથી સમજાતી, કથા હિન્દીમાં છે, બુંદીન ગાંઠિયા તો ગુજરાતીમાં છે ને, તું પાડ, લાડવા ક્યાં હિન્દીમાં છે। આપણને ગમી આ વાત, तो आज साउथ इंडियन वाले भले आपको समझ में ना आए, लेकिन आप भोजन साउथ इंडियन है आपका। आ दादो वगाड़े मने सीरियस करी नाखे।
ठीक है ठीक है। क्या कह रहा था? मुक्ति अत्यंत दुर्लभ पद मुक्ति राम और कृष्ण का भजन करने से मिलती है, और उससे भी बड़ी बात राम और कृष्ण का भजन ही मुक्ति है। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद मुक्ति तत्व का वर्णन हो गए, नौ हो गए, और अंतिम और भागवत का दसवां तत्व जिसका नाम है आश्रय। आश्रय आश्रय के विषय में श्रीधर स्वामी चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद लिखते हैं कि दशमय दशमम लक्षणम आश्रिताश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धामम जगत धाम नमामियम। प्रभुपाद ने यह लिखा चैतन्य चरितामृत में कि भागवत का दसवां तत्व है आश्रय। ये आश्रय का मतलब क्या है? कहते हैं कि इस संसार का आश्रय, भौतिक जगत का आश्रय, आध्यात्मिक जगत का आश्रय, जीव का आश्रय, आत्मा का आश्रय, इस संसार में आश्रय शब्द जहां कहीं भी लगे, सभी आश्रयों के भी आश्रय एकमात्र कृष्ण है। इसलिए आश्रय का अर्थ है कृष्ण। भागवत का अंतिम तत्व दसवां तत्व है आश्रय, और आश्रय का सीधा अर्थ है भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत के ये नौ तत्व आश्रय तत्व के लिए कहे गए। श्रीमद् भागवत के तीन दिन की कथा जो है, भागवत का नौ स्कंद इसलिए कहा गया ताकि आश्रय तत्व भगवान कृष्ण ठीक से समझ में आए। बाकी जिज्ञासा तो कृष्ण कथा सुनने के लिए ही हुई थी, लेकिन भागवत की अन्य जितनी भी कथाएं हैं, अन्य जितने भी तत्व हैं, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उतय मनवंतर ईशानुग्रह, ये सारे मुक्ति आदि आश्रय को समझने के लिए है, कृष्ण को समझने के लिए। इसका अर्थ यह है कि भागवत के सारे तत्व सारे विषय वस्तु एकमात्र कृष्ण को समझने के लिए है, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन। 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 कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तिन महादन। कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तिन महादन। कृष्ण भक्ति प्रेम तिन महादन। वेदादि सकल शास्त्रे कृष्ण मुख्य संबंध। वेदादि सकल शास्त्र कृष्ण मुख्य संबंध। अभी मैं आपको डेढ़ घंटे से जो बोल रहा था केवल इसी लाइन पर बोल रहा था। ये वेद आदि सकल शास्त्र ये पूरे भागवत में मुख्य संबंध कृष्ण का है। बाकी सब तो जैसे हमारे मुंबई में वड़ा पाव फेमस है,
और खाने में भी आनंद आता है, झूठ नहीं बोलेंगे, वड़ा पाव मतलब। लेकिन वड़ा पाव में पाव होता है, तीखी चटनी होती है, मीठी चटनी होती है, और वो तो नहीं खाते ना क्योंकि लोशन होता है उसमें, लेकिन वो सब होता है। लेकिन उस वड़ा पाव में मूल पाठ कौन सा होता है? वड़ा। ठीक उसी प्रकार भागवत के 9 स्कंद जो है वो पाव के समान, चटनी के समान, लेकिन कृष्ण जो है वड़ा के समान है, मूल पाठ है। वेदादि सकल शास्त्रे कृष्ण मुख्य सबंध, वेदादि सकल शास्त्रे कृष्ण मुख्य सबंध, वेदादि सकल शास्त्रे कृष्णे मुख्य सबंध, वेदादि सकल शास्त्रे कृष्ण मुख्य सबंध, तार ज्ञाने अनुषंगे जाय माया बंध, तार ज्ञाने अनुषंगे जाय माया बंध, तार ज्ञाने अनुषंगे जाय माया बंध। वेद शास्त्र कहे संबंध अभी शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, शास्त्र कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सनातन वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। वेदादि सकल शास्त्रे कृष्ण मुख्य संबंध है। वास्तव में इन शास्त्रों के साथ मुख्य संबंध तो कृष्ण का है, बाकी सब तो पांव और चटनी के समान है, मुख्य पाठ तो कृष्ण है। वेदादि सकल शास्त्रे कृष्ण मुख्य संबंध, तार ज्ञाने अनुसंगे जाय माया बंध। यदि ये ज्ञान किसी को हो जाए तो कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण मुक्ति, ये सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन इसका आनुषंगिक फल बिना मेहनत किए हुए मिलने वाला जो आनुषंगिक फल, तो सबसे बड़ा यह मिलेगा कि माया के बंधन से मुक्त हो जाओगे। माया से बंधनों से मुक्त करने वाली,
कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम और साक्षात कृष्ण को प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा का हम श्रवण कर रहे हैं और इसके पीछे एकमात्र श्रील प्रभुपाद की कृपा है। ये हुआ आज का प्लेटफॉर्म। हाँ, आश्रय जो है पूरे भाग जो है पूरा आश्रय जो है कृष्ण है, सारे सारे स्कंदों का आश्रय। बार बार नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में, नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है जहां कलयुग का प्रभाव नहीं है। इस देश के समस्त ऋषि मुनि एकत्रित होकर ब्रह्मा के पास गए कि इस भूमंडल पर शांति लाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा स्थान बताओ जहां कलयुग का प्रभाव न हो। ब्रह्मलोक से मनोमय चक्र बनाया गया और घूमते 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 लखनऊ से 80-90 किलोमीटर दूर आकर गिरा और वह स्थान बना नैमिषारण्य। बड़ा पवित्र स्थान, हरिद्वार में माँ गंगा बहती है, नैमिषारण्य में धेनुमती नदी, गोमती नदी बहती है। धेनुमती के पावन जल के किनारे पर अनेक वृक्षों से घिरा हुआ यह नैमिषारण्य वन, जहां ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे और अचानक सूत जी आए। ऋषि मुनियों ने यज्ञ छोड़ दिया, सूत जी को आसन पर बिठाया। सूत जी को प्रश्न पूछे, जिज्ञासा किए और उसका उत्तर देते हुए सूत जी भागवत सुनाने लगे, लेकिन भागवत सुनाने से पहले दो श्लोकों में अपने गुरु सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। प्रथम श्लोक में सुखदेव जी की विरक्ति का वर्णन और आज के इस श्लोक में सूत जी अपने गुरु सुखदेव के करुणा का वर्णन करते हैं। यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सार में कम, अध्यात्म दीप मति ते तिर्षताम तमो, संसारिणाम करुणया हपुराण गुह्यम, तम या ससून मुपया मे गुरोर मुनि नाम, तम या ससून मुपया मे गुरोर मुनि नाम। तम व्यास सुनु, उस व्यास मुनि के सुनुम माने पुत्र और मुनिम गुरुम संसार के समस्त मुनियों के गुरु सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूं। कैसे हैं सुखदेव? यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सार में कम, जिन्होंने यह भागवत सुनाया। सुखदेव कैसे हैं? सुखदेव का परिचय, उस सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने भागवत सुनाया। तो प्रश्न हुआ कि कैसा भागवत सुनाया, है ना? भाई स्कूल में कॉलेजों में कोई मैथ्स पढ़ाता है, हिस्ट्री पढ़ाता है, ज्योमेट्री पढ़ाता है, तो इसने भागवत पढ़ाया, कौन सा बड़ा काम किया? तब सूत जी कहते हैं कि इन्होंने जो भागवत पढ़ाया, संसार को जो भागवत दिया, उस भागवत की महिमा बता रहे हैं इस श्लोक में, चार पॉइंट में, चार शब्दों में भागवत की महिमा। कल मैंने आपको थोड़ा बहुत कहा था
यह स्वानुभाव, ये प्रथम महिमा। भागवत स्वानुभाव माने आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार कराने वाला ग्रंथ। स्वानुभाव, स्व अनुभव, अर्थात भागवत जो है अपना स्वयं खुद का अनुभव कराता है। दूसरों का अनुभव तो बहुत करते हैं कि फलाना ऐसा, फलानी ऐसी, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, लेकिन एक बार भागवत पढ़ो तो समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूं। दिल्ली में ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, पार्लियामेंट में हो रहा है, पहले ये देख तेरे अंदर क्या हो रहा है। सर्वप्रथम अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। याद रहे, जब तक व्यक्ति अपने आप को ठीक से नहीं जानेगा, वह न तो दूसरों को पहचान पाएगा न भगवान को। तो यह स्वानुभाव अखिलम, श्रीमद् भागवत आत्म और परमात्मा का साक्षात्कार कराता है, यह पहला। दूसरा, अखिल श्रुति सारम, ये भागवत अखिल माने समस्त श्रुतियों का सार है। श्रुति माने वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद। इस बात को प्रकट करने के लिए व्यास मुनि ने पूरा एक श्लोक ही दे दिया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुकादय अमृत द्रव संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये सारे वेद शास्त्र वृक्ष के समान हो तो उस वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत श्रुति सारम। श्रीमद् भागवत समस्त श्रुतियों का सार है, एसेंस है। आप लोग कितने बुद्धिमान हो कि इस कलयुग में वैसे भी लोगों के पास कोई समय नहीं है, टाइम नहीं है, और समस्त श्रुतियों का सार रूप भागवत सुनने के लिए आए हो। वास्तव में भागवत सुनने वाला सबसे अधिक बुद्धिमान है। अन्य अन्य पुराण और अन्य अन्य किताब पढ़ने से समय व्यर्थ ही बर्बाद करना, उससे अच्छा है उन सब का सार भागवत के रूप में सुना जाए। भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। किसी ने कहा फल में तो गुठली और छिलका होता है और उसे तो त्यागना पड़ता है। सभी फलों का राजा है आम है, और आम में भी रत्नागिरी आपूस है, कितने मजे से खाते हैं है। लेकिन कितनी भी रत्नागिरी आपूस महंगी आम आप खरीदो, गुठली तो नहीं खाओगे, छिलका तो निकाल दोगे। तो भागवत यदि फल है तो क्या भागवत में भी कोई गुठली और छिलका है जिसको निकालना होगा, जो है ही है, त्यागने लायक है। तब वेदव्यास मुनि ने कहा गलती हो गई, ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का फल नहीं, उस वेद रूपी वृक्ष के फल का बना बनाया रेडीमेड जूस है। जूस अमृत द्रव संयुतम, ये भागवत तो अमृत द्रव है, तरल पदार्थ, रेडीमेड जूस, इसलिए पिबत भागवतम, इस भागवत को पीते रहो, पीते रहो। सारम, ये भागवत की दूसरी महिमा है, अखिल श्रुति सारम। भागवत की तीसरी महिमा एकम, नीचे एक शब्द आया एकम। एकम माने अद्वितीय, भागवत जैसा ग्रंथ इस दुनिया में और कोई नहीं है, भागवत की बराबरी इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। अद्वितीय ग्रंथ है भागवत। और भागवत की चौथी महिमा कहते हैं अध्यात्म दीपम। अध्यात्म दीपम अतिते तिरशताम तमो, ये भागवत अध्यात्म दीपम, दीपम माने दिया, लैंप। जैसे घोर अंधकार हो लेकिन दिया जलने पर प्रकाश हो जाता है, और घर पर रखी हुई सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। अनंत अनंत जन्मों से हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है,
लेकिन भागवत सुनते ही वो भागवत रूपी दीपम, भागवत एक दिया है, ये दिया प्रकट होते ही ये सारा अंधकार, ये सारा अज्ञान दूर हो जाता है। अध्यात्म दीपम, ये भागवत अध्यात्मिक दीप है। तो स्वानुभावम, अखिल श्रुति सारम, एकम और अध्यात्म दीपम, ये चार विशेषताओं से भरा हुआ भागवत सुखदेव जी ने किसको दिया? संसारिणाम करुणया हपुराण गुह्यम। इतनी महिमा से मंडित भागवत को संसारिणाम, संसार के जीवों को जिन्होंने प्रदान कर दिया। कैसे जीवों को? अति तीर्षताम तमोंधम, तमो गुण से अंधे बने हुए, अति तीर्षताम संसार के दुख दारिद्र में फंसे हुए संसारिणाम, संसारी जीवों को यह भागवत सुनाया। अब आप लोगों को बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है, सब भक्त हो जानते हो कि संसार में कितना दुख है, कितना कष्ट है, कितना बंधन है। आदमी दुखी, दुखों से मुक्त होने के लिए एक प्लान करता है तो तीन दुख आकर खड़े रह जाते हैं। वो तीन दुखों को दुबाता है तब तक तो तीस दुख आकर खड़े हैं। ये धरती गोल है, कहीं से भी जाओ तो आप आखिर तो वही के वहीं पर पहुंच जाओगे। दुख सब जगह पर है। तो संसार नाम, संसार के दुखों से दग्ध व्यक्ति को सुखदेव ने भागवत सुनाया और भागवत सुनाकर दुखी लोगों को सुखी कर दिया। अब यहां पर एक प्रश्न यह हो सकता है कि आत्म रामश्च मुनियो, मैं कुछ समय पहले फ्लोरिडा में, अमेरिका में कथा कर रहा था, तो डीओटी के बच्चे थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, सुन रहे होंगे अभी, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चों को क्लास दीजिए। एक रूम में बैठकर ये सारे बच्चे आए, मैं उनको क्लास दूं, उनके पहले वो बच्चों ने मुझे क्लास दे दिया। तो बहुत सारी चर्चाएं हुई और मुझे भी बड़ा जानने मिला, बच्चे भी अच्छे थे, श्रद्धालु तो थे, लेकिन आप तो जान सकते ना, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे जो खुद कमाते हैं, खुद अपने पांव पर हैं, उसे कितना अभिमान, कितना अहंकार, कितना ये होता है। तो चर्चा तो बहुत हुई, फिर कभी हम सुनेंगे। लेकिन मैं बोल रहा था कि संसार दुखालय है, सब लोग दुखी हैं, तो उनमें से एक ने कहा, तो क्या आप सुखी हो? बुद्धि तो है ना, 10 साल आगे हैं ये लोग, सीधा मुझे, हमारे यहाँ तो नम्रता भी होती है दोनों हाथ जोड़कर, और इतना पूछने में तो आदमी को 50 बार सोचता है कि मुझे कोई ऐसा पूछे, तो सीधा मुझे पूछा, आप सुखी हैं? आप हमको दुख दुख की बात कर रहे हैं, सब दुखी हैं, आप सुखी हैं? मैंने कहा हाँ मैं सुखी हूँ। तो उन्होंने कहा, सुखी थे तो घर पे रहते, इतना दूर क्यों आए, 22 घंटा फ्लाइट में बैठ कर। अमेरिका के बच्चे हैं ना ये, ये, ये 20 दिन पहले की घटना है, ज्यादा सुखी आदमी क्यों इतना चक्कर काटेगा है? 22 घंटे फ्लाइट में बैठकर इतना दूर भूखा प्यासा क्यों इतना मेहनत करेगा? सुखी हो ना आप, तो घर पे रहते इतना क्यों घूमते हो आप? इतना ऐसे पूछा तो मैं भी 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गया। मैं तो उस बच्चों को उनके हिसाब से जवाब दिया कि मैं सुखी हूँ और आप लोगों को सुखी करने आया हूँ, लेकिन इसका वास्तविक जवाब यहाँ पर लिखा है, भजन करने वाला सदैव सुखी होता है,
तो प्रश्न होगा कि सुखदेव जी स्वयं भगवान के इतने बड़े भक्त हैं और स्वयं आत्मराम मुक्त काम, सुखदेव जी के बारे में तो आत्मा में रमण करने वाले मुक्त काम, तो ऐसे ही सुखदेव जी भटक भटक कर यहां वहां जा जाकर क्यों भागवत सुनाते थे? इसका जवाब यहां पर संसारिणाम करुणया हपुराण गुह्यम। सुखदेव जी स्वयं तो सुखी थे लेकिन संसार के जीवों के प्रति करुणा उत्पन्न हुई और उस करुणा के कारण लोगों के पास जा जाकर जिन्होंने भागवत का ज्ञान प्रदान किया, करुणा के कारण। आदमी भागवत क्यों सुनाता है? करुणा के कारण। ये करुणा के अलावा कुछ अपना पूरा जीवन है दाव पर लगाकर न घर के बारे में सोचना, न पत्नी के बारे में, न बच्चों के बारे में, अपना जीवन के बारे में भी न सोचना, चाहे शरीर कैसा भी रहे, चाहे यहाँ ये समय है, यहाँ वो समय है, यहाँ ये खाना, यहाँ ये खाना। ये अमित भाई मेरे मित्र हैं, मुझे बार बार घर पर आकर कहते हैं, लाला ये सब बंद करो यार, क्या कमी है आपको खाने की, पीने की, रहने की, क्यों इतना मेहनत परिश्रम करते हो? क्योंकि एक सुहाद है, एक अटैचमेंट है उनका हमसे। लेकिन एक ही चीज है, संसारिणाम करुणया हपुराण गुह्यम। आप समझ नहीं पाएंगे, एक बाप होता है ना, वो देखता है कि मेरा बेटा दुखी है और उनको एक रोग है और वो ठंडा खाएगा या चॉकलेट खाएगा तो बीमार होगा, उसको कॉन्फिडेंस है, अनुभव है, सब कुछ है और बहुत परेशान होगा, लेकिन फिर भी वो खाता है। तो उस समय वह बाप करुणा के वशीभूत होकर उसे रोकने का प्रयास करता है। छोड़ो ये दृष्टांत, और एक बताऊं, एक डॉक्टर होता है, छोटे से बालक को पेट में बहुत दर्द होने लगा, डॉक्टर जानता भी है इसको क्या रोग है, डॉक्टर के पास उसके रोग की दवाई भी है, फूल जैसा बालक पेट में दर्द है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, डॉक्टर को उसका रोग भी पता है, उसका निदान भी, लेकिन वह बालक इंजेक्शन देने नहीं देता है। उस फूल जैसे रोते हुए बालक को देखकर डॉक्टर के हृदय में क्या बीतती होगी, एक बाप और एक मां के हृदय में क्या बीतती होगी कि जानते हैं कि दुखी क्यों है, दुख का कारण भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मैं ये दूंगा तो सारा दुख चला जाएगा, सुखी हो जाएगा, सब कुछ जानते हैं। तो जो जानते हैं ना उसके हृदय में करुणा होती है और करुणा के वशीभूत होकर एक बाप, एक माँ और एक डॉक्टर एक रोगी का या अपने बच्चों का निदान करता है। सुखदेव गोस्वामी ने परिश्रम, यद्यपि स्वयं सुखी थे, प्रसन्न थे, सुखदेव जी ने परिश्रम क्यों उठाया? डोनेशन कलेक्ट करने के लिए? सुखदेव जी का ये क्रांतिकारी कार्य क्यों रहा? एकमात्र उद्देश्य संसार के जीवों के ऊपर करुणा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हम और आप यदि प्रचार करते हैं तो केवल एक ही उद्देश्य से प्रचार करना चाहिए, हृदय में करुणा। करुणा के कारण कुछ बोले, करुणा से कुछ कहे। और सबसे पहला उद्देश्य तो संसार के लोगों को पवित्र करने से पहले अपने आप को पवित्र करना, और साथ ही साथ लोगों को ये करुणा से जब कोई बोलता है ना तो सुनने वाले के हृदय में बात चली जाती है करुणा से। करुण आह, देखो आह लिखा होगा, करुणा के कारण, आह माने बोले, एक एक शब्द बोलने का कारण यही था कि करुणा। जब भी कोई महात्मा, कोई संत उपदेश करता है, हमारे इस्कॉन के भक्त कितने प्रवचन करते हैं, गले फाड़ फाड़ के बोलते हैं, क्या प्रवचन करने के पैसे मिलते हैं?
लोक में समाज में जो कुछ भी चलता हो, लेकिन मैं तो गौड़ीय धारा की बात कर रहा हूं। इस गौड़ीय धारा में जो लोग नहीं समझते उसकी बात नहीं है, लेकिन समझदार व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि यह करुणा के अलावा और कुछ नहीं है। और यह कार्य चैतन्य महाप्रभु का भगत ही कर सकता है, प्रभुपाद की संस्था का आदमी ही कर सकता है। वर्तमान में दुनिया में और किसी की ताकत नहीं है कि करुणा से इस प्रकार से उपदेश प्रदान करे। यह तो महाप्रभु की कृपा है। प्रभुपाद का जिसका आश्रय है वह करुणा से संसार को उपदेश देता है। नहीं तो विचार कीजिए भक्तों, आज से 50 साल पहले 70 साल के एक बूढ़े आदमी हैं, भारत से अमेरिका क्यों जाएंगे? वृंदावन में थे, इतना अच्छा खासा धाम प्राप्त हुआ, ब्रजवास मिला। 70 साल का बूढ़ा या तो हॉस्पिटलाइज होता है या बिस्तर पर लेटा होता है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 70 साल की उम्र में ये वृद्ध, ये संत भारत से अमेरिका जा रहे हैं। करुणा नहीं तो और क्या है बताइए? क्या इच्छा थी उनको? एकमात्र करुणा। संसारिणाम करुणया, संसार के जीवों के ऊपर श्रील प्रभुपाद को करुणा उठी, और इसी करुणा के कारण भारत से अमेरिका गए, और अमेरिका से कृष्ण भक्ति की स्थापना और इस कृष्ण भक्ति का प्रचार किए। और एक दिन ऐसा आया कि पूरा भूमंडल भगवान कृष्ण की भक्ति में लग गया। करुणया, तो सुखदेव गोस्वामी करुणा से संसार के दुखी दग्ध जीवों को पुराण गुह्यम है, गुह्य पुराण का ज्ञान प्रदान किए। आप कहोगे भागवत को गुह्य पुराण कहा गया क्योंकि भागवत में गुह्य बातें बताई गई है, सीक्रेट पुराण। अब आप घर के हो इसलिए कह दूं कि भागवत में ऐसी कौन सी रहस्यमय बात है? यहां गुह्य का अर्थ क्या है भक्तों? इस संसार में सबसे रहस्यमय चीज है भगवान कृष्ण की भक्ति। तो पुराण गुह्यम, जिसमें कृष्ण की भक्ति का वर्णन सुखदेव जी ने किया, संसार के जीवों को सुखी करने के लिए, पवित्र करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। एक प्रश्न छूट गया मुझसे, क्योंकि यहां तो मुझे ही प्रश्न खड़े करने हैं, मुझे जवाब देने हैं। एक प्रश्न यह है कि संसार के जीवों के प्रति करुणा आएगी कहां से? यहां तो हमें हमारे ऊपर ही करुणा नहीं है, हम खुद शराब पीकर कैंसर का रोग ले लेते हैं, खुद तंबाकू खाकर अपने शरीर को बिगाड़ते रहते हैं। हमें हमारे शरीर के ऊपर करुणा नहीं है तो दूसरों के ऊपर कहां से करुणा? ये करुणा आएगी कहां से? सुखदेव जी में ये करुणा कहां से आई? एक करुणा का तत्व कहां से पैदा हुआ? श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के हृदय में यह करुणा भगवान कृष्ण की लीला सुनने से आई, कृष्ण कथा सुनने से आई। कृष्ण की शुद्ध कथा को सुनने से हृदय में करुणा अपने आप उत्पन्न होती है, कहना नहीं पड़ता किसी जीव को। कृष्ण कथा सुनने से, कृष्ण की लीला का यह प्रभाव है कि भक्त को करुणावान, करुणामयी बना देता है। तो ऐसे रहस्यमय पुराण का ज्ञान संसार के समस्त जीवों को करुणा के खातिर दे दिया। तम व्यास सुन मुपयामि गुरुर मुनि नाम, ऐसे वेदव्यास मुनि के पुत्र और समस्त मुनियों के गुरु सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूं। समस्त जीवों के गुरु, मुनि नाम गुरु, मुनियों के गुरु, ऐसे सुखदेव को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार दो श्लोक में सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किए, और अब तीसरे मंगलाचरण के तीसरे श्लोक में भगवान देवी और देवताओं को प्रणाम करते हैं। किस प्रकार? ये कल शाम को 6:30 बजे। हरे कृष्ण।
ग्रंथराज श्रीमद भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।